पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ एक्सप्लिसिटली दिया गया और कुछ कुछ का रेफरेंस दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात तुमको ये समझ में आना होगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अगर पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि दीज प्रिविलेजेस आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू दोज हु कैन टेक पार्ट इन द डिस्कशन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी एक्सटेंड हो जाएगा। और लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट एक्सटेंडेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये दो पॉइंट समझ लो। पहली बात क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट एक्सटेंडेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पहली बात पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर एक्सटेंडेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को तो हो गई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कुछ प्रिविलेजेस एक मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी में एंजॉय करता है, कुछ प्रिविलेजेस हाउस को दिया गया है, कंप्लीट हाउस को दिया गया है। तो जो तुम्हारा कलेक्टिव प्रिविलेजेस है जो एक से लेके आठ तक है, ये तुम्हारा कलेक्टिव है, मतलब एज ए हाउस तुम एंजॉय करते हो, ठीक है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। पहला प्रिविलेज क्या बोलता है कि तुम्हारी जो भी प्रोसीडिंग है या जो भी उसका रिपोर्ट है या डिबेट है उसको पब्लिश करने का एक्सक्लूसिव राइट्स उसके हाउस पर। केवल फ्रीडम ऑफ प्रेस को ध्यान में रखते हुए मीडिया को ट्रू रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फ्री छोड़ा गया है। तो मीडिया को एक्सेप्शन है, मीडिया पब्लिश करने से पहले पूछना जरूरी नहीं है, बट इन जनरल मतलब राइट टू पब्लिश, राइट टू रिपोर्ट वो केवल और केवल हाउस के पास है। इसलिए तो राज्यसभा टीवी है और ये है, वो लोग कंट्रोल से दिखाते हैं, राइट। ये बात समझ में आया नहीं है। तो पहला क्या कहता है, पुनर्पाठन पहला सीखना द राइट पब्लिश दिस रिपोर्ट डिलेट एंड प्रोसीडिंग एंड आल्सो राइट टू प्रोहिबिट अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। अदर्स को प्रोहिबिट भी कर सकता है जो तुम पब्लिश नहीं करो। बाद में अमेंडमेंट के थ्रू मीडिया को जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंतर्गत उसको भी राइट दिया गया कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन का। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिस्टोर्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन, ठीक है। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग। सीक्रेट सिटिंग में एक्सक्लूड कर देते हैं। जो सेकंड पावर है वो वही साधन। सेकंड पावर क्या है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि कोई बाहरी आदमी उसकी सीटिंग को देखेगा कि नहीं देखेगा। एक्सक्लूसिव राइट है, जैसे कि हम बताए थे तुम पार्लियामेंट जाकर विजिट कर सकते हो, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं है, इट अलाउज इन जनरल अलाउ कर रहा है। बट अगर वो चाहे तो किसी भी बाहरी आदमी को एक्सक्लूड कर सकता है पार्लियामेंट्री सीटिंग अटेंड करने। तो सीक्रेट सीटिंग में किसी को भी अलाउ नहीं। सीक्रेट सीटिंग किसके अटेंड पे होता है, लीडर ऑफ पीस लीडर ऑफ हाउस जब हाउस के अपना और इसको तुम तो कोर्ट नहीं ले जा सकते हो, कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो कि ये ऐसे कैसे हुआ। तो इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है इसका पार्लियामेंट का वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो जो फोर्थ पॉइंट है, अच्छा नहीं फोर्थ पॉइंट नहीं, आगे आते हैं। इट कैन पनिश मेंबर एज वेल एज आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेंप्ट लाइक रिप्रमेंड एडमोनिशन और इंप्रिजनमेंट। है केवल अपने मेंबर को ही पनिश नहीं कर सकता है, बाहर वाले को भी कर सकता है। याद होगा तुमको जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब ये अरविंद केजरीवाल वाला जब ये पूरा नाम जाने वाला मूवमेंट चल रहा था, तो कौन एक्टर था, ओम पुरी ने कुछ कुछ बोल दिया था ये सब चोर है या कुछ कुछ बोल दिया था, तो उस सबको फिर से माफी मांगना पड़ा था क्योंकि पार्लियामेंट ने उसके लिए
केस क्या कर दिया था कि ये हमारा डिसओबे हो रहा है, हमारा डिसरेस्पेक्ट हो रहा है करके हाउस को जो है नीचा दिखाया जा रहा है करके उन्होंने उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चालू कर दिया था। ठीक है, तो आउटसाइडर को भी इसके ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और इसके कंटेम्प्ट के केस में सजा दे सकता है पार्लियामेंट। और वो जो हुआ था आई थिंक अरुंधति रॉय के साथ हो चुका है, ये ओमपुरी के साथ हो चुका है, आई थिंक किरण बेदी के साथ भी हुआ था इफ आई रिमेंबर। आई थिंक शुरुआत में किरण बेदी ने भी कुछ बोला था, वो चक्के हैं चोर हैं ओमपुरी ने, तो एग्जैक्टली यही बोला, तो फिर माफी मांगना पड़ा था। ठीक है, नॉट ओनली इट्स मेंबर्स बट आउटसाइडर्स को भी ब्रीच एंड कंटेम्प्ट के केस में पनिश कर सकते। ठीक है, it can punish member as well as it has the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction. अगर इसका कोई member arrest होता है तो उसको inform करना जरूरी है। ठीक है, चलो सातवां पॉइंट है, it can institute inquiries and order the attendance of witness and send for relevant papers for the report. If the courts are prohibited to inquire into the proceeding of the house. इंटरनल मैटर को रेगुलेट करने का अधिकार है एंड इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, एंड इट कैनॉट बी चैलेंज कि कैसे वो अपना हाउस को मेंटेन कर रहा है, इट कैनॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, फिर चलो, नो पर्सन आइदर द मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व इन द प्रेजेंस ऑफ द हाउस without the permission of presiding officer. देखो, अगर कोई बाहरी आदमी भी अगर पार्लियामेंट के प्रेसिंट के अंदर है तो उसको भी अरेस्ट करने से पहले तुमको स्पीकर को या जो भी चेयरमैन है उसको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल मेंबर, क्या लिखा, नो पर्सन आइदर ए मेंबर और आउटसाइडर, तो ये नहीं, मतलब अगर उसके अंदर कोई भी तुम पकड़ रहे हो किसी को, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको इन्फॉर्म करना जरूरी। ठीक है, नहीं हम मिस मत कर देना कि केवल मेंबर के केस में है। ठीक है, आउटसाइडर के केस में भी है, आउटसाइडर को भी अगर पकड़ने जा रहे हो तो उसको भी तुमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के केस में आओगे तो सिंपल क्या, जब तक प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक सेशन चल रहा है, उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद तक सिविल केस में तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तुम मेंबर हो तो जब सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पहले, उसके 40 दिन बाद तक तुमको सिविल केस में गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्रिमिनल केस में नहीं और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, बट सिविल केस में तुमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकेंड है, दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर तुम जो भी बोलते हो या पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर तुम जो भी बोलते हो, that is given absolute freedom of speech, ताकि free debate हो सके। ठीक है, ये नहीं कि आप हर एक चीज से डर के आप बोलेंगे तो फिर proper debate नहीं होगा, cannot be challenged in the court। हाँ, लेकिन constitutional को तुम ये नहीं कर सकते, जैसे for example untouchability of किसी को अछूत बोल दिया, ये सब काम नहीं कर सकते, या जो house का rule है उसको नहीं तोड़ सकते हो, but in general तुमको freedom of speech है। तो कुछ कुछ राइट्स तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है ना, तो वो लिमिटेशन रहेगा। ठीक है, बट इन जनरल तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये क्लियर है। और तीसरा है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ज्यूरी सर्विस। हम लोग ज्यूरी सर्विस के इंडिया में ज्यूरी सिस्टम है कि नहीं है, इंडिया में ज्यूरी सिस्टम है, पहले था जो पार्लियामेंट जो कि इंडिविजुअल राइट है, और दूसरा प्रिंटिंग पब्लिशिंग रिपोर्ट जो कि पहला राइट था कलेक्टिव, ये दोनों एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में दिए। ये दोनों क्या है, explicitly constitution में दिया हुआ है। ये देखोगे sources of privileges में, originally the constitution expressly mentioned two privileges, that is freedom of speech in parliament
and right of publication of its proceedings. बाकी privileges के बारे में इसने कहा था कि जो कि British Parliament में available है, वो हमारे यहाँ भी लोगों को available होंगे. तो बाकी की जो privileges तुम देख रहे हो, they are not given in Indian Constitution. बाद में amendment करके British Constitution का reference हटा दिया और बोल दिया कि जो 26 जनवरी 1950 के आसपास थे, वही रहेंगे. तो indirectly तो refer तो तुम उसी को कर रहे हो. ठीक है ना, क्लियर है. तो केवल दो जो है ये याद रखना कि इन इतने जो प्रिविलेजेस अभी जो तुमने पढ़े, इनमें से केवल दो प्रिविलेज जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. एक कौन सा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और दूसरा पब्लिसिटी जो है प्रोसीडिंग का. बाकी सारा कहां से आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को आजादी के समय जो भी अवेलेबल था वही यहाँ पे फॉलो किया. ये समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रिविलेजेस में अगर प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि क्या क्या एक्सप्लिसिटली है. बाकी प्रोविजंस तो तुमको याद हो जाएंगे एक दो बार पढ़ोगे तो. ठीक है, अब देखो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेंप्ट ऑफ हाउस पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं है. मुझे बताया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेंप्ट ऑफ हाउस केवल अपने ही मेंबर्स को नहीं, बाहर के लोगों के केस में भी कर सकते हैं. राइट, क्लियर है ना? ये उसमें एक दो एग्जांपल साइड में चाहो तो लिख लेना वगैरह का, ये सब का ऐसे पूछेगा नहीं, समझा? अगर कुछ अनलेस कोई बहुत भयानक केस हो जाए, कोई आदमी कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे, बहुत मुद्दा हो जाए, तभी ये पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा. मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वही होता है, गलत इन्फॉर्मेशन देना या नहीं, उसके अलावा प्रिविलेज मोशन हो गया. अच्छा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब पार्लियामेंट का अपना इज्जत है, ठीक है, उसको तुम वाले. लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे उसमें दिया हुआ है, ठीक है? कंटेंट ऑफ द कोर्ट, कंटेंट होता है क्या कि किसी के अगेंस्ट कंटेंट करना, मतलब क्या हुआ कि उसका बेइज्जती करना, उस सेंस में हुआ. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन जनरल सेंस में क्या है, किसी का कोई प्रिविलेज है और तुम उसको ब्रीच कर रहे हो, उसको वो प्रिविलेज लेने नहीं दे रहे हो, ठीक है? वो हो गया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट क्या हो गया, कोर्ट ने तुमको ऑर्डर दिया कि फलाना चीज इतने टाइम, मान लो कि ये हो गया कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आतिशबाजी नहीं होना चाहिए था, या सबरी माला के केस में जो अभी हो रहा है, दैट इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट. वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, कोर्ट का काम है सजा सुनाना या जस्टिस देना, और ये जो कौन होता है खाप पंचायत बैठ के सजा सुना रहा है और जस्टिस दे रहा है, ताकि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. समझ में आ गया? एक तरह से वो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट भी है, ठीक है? तो बहुत क्लियर कट नहीं है, बस उसको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखो कि क्या है, ठीक है? ये पार्ट समझ में आ गया? बहुत कम चांस है पूछा जाएगा, बट फिर भी देख. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इज आवर पार्लियामेंट सोवरन. तो किताब सब कोई बंद करके मुझे बताओ, आवर पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, सब कोई किताब बंद. क्वेश्चन है, इज आवर पार्लियामेंट सोवरन. इसका जवाब पहले कौन लोग सोचते हैं कि है सोवरन? कितने लोग सोचते हैं? हाँ, तुम सोवरन है, ठीक है, तुम भी सोच रहे हो सोवरन है, तीन लोग सोच, और कोई सोच रहा है सोवरन है, जल्दी सोचो. बाकी तुम लोग कितने बचे? चार, एक, पांच. तुम भी सोच रहे हो सोवरन है, ठीक है, पांच लोग सोच रहे हैं सोवरन नहीं है, ठीक है, ये लोग सही है. अजय जाना क्या, अजय हम तुमसे पूछना चाहेंगे ये बात हम जो क्लासरूम में इतनी बार बोले, आई थिंक हमको शुरुआत की जितनी क्लास हुई थी उसमें पर सोवरेन पर को कॉन्स्टिट्यूशन, हां पीपल आर सोवरेन, सोवरेन को पीपल डिसाइड करता है, पीपल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बीच में डिसाइड कर रहे, तो वो तो पार्लियामेंट. शुरुआती क्लास में हजारों बार मैंने बोला है वो सोवरेन, यही गलत इंटरप्रिटेशन
आजकल अरुण जेटली अपने ब्लॉग में एग्जैक्टली सेम इंटरप्रिटेशन जो है अरुण जेटली कह रहा है कि चूंकि पीपल आर सोवरन हेंस प्राइम मिनिस्टर इज सोवरन हेंस तुम उसका बेइज्जती नहीं कर सकते हो हेंस तुम रूलिंग पार्टी का बेइज्जती नहीं कर सकते हो सब कुछ एंटी नेशनल हो गया मेजोरिटी मिला ठीक है कोर्ट कुछ भी कर रहा है दे कैन नॉट ओवर रूल पार्लियामेंट इज सॉवरन ये सब सेंटेंस भी सुनने को मिला है उसके ब्लॉग में ठीक है और बीइंग अ लॉयर ही शुड नॉट से दीस थिंग्स ठीक है एट लीस्ट बीइंग अ लॉयर ही शुड नॉट से दीस थिंग्स बट नहीं इंटरप्रिटेशन गलत है अब जो तीन लोग उसमें से कितने लोग अभी चेंज करना चाह रहे हो तो सबको नहीं करना चाह रहे अजय तुम चेंज किया पीपल आर देखो इंडिया में मैंने शुरुआती क्लास में कई बार रिपीटेडली दो चीज बोला था इंडिया में प्रीएम्बल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल आर सोवरेन ठीक है पहली बार क्योंकि वी द पीपल को ऐसा तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो और वी द पीपल ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हेंस आइदर यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन और यू कैन से वी द पीपल आर सोवरेन Nobody else, no one functionary of a government, neither the executive, nor the judiciary, nor the legislative can claim that they are sovereign. Constitution is sovereign. ठीक है ये बात मुझे लगता है शुरुआत में मैंने हजारों बार रिपीट किया था और इसी कारण से रिपीट किया था कि हमको लगा था ये तीन तो नजर नहीं आएगा ठीक है अच्छा सर जैसे sovereign का मतलब क्या होता है क्या कर रहे हैं इसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है ठीक है मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है क्योंकि हम लोग जो है सोवरन हो गए अभी पुलिस आके डंडा मार सकती है ठीक है है कि नहीं लिमिटेड सोवरेनिटी तो सबको लिमिटेड स्फीयर ऑफ उसको ऑटोनॉमी बोला जाता है ठीक है उसको सोवरेनिटी नहीं बोला जाता है सोवरेनिटी मतलब तुम्हारे पर किसी का किसी तरह का कंट्रोल नहीं अच्छा अगर ये पांच लोग तुम लोग को समझाएंगे कि क्यों जो है इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन कारण दे दो मेरे सबको ठीक है जो लोग वॉलंटियर करोगे कंसेशन जो लोग तीन लोग थे वो लोग भी वॉलंटियर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कई सारे बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुके हैं अभी आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो तुमको पता चलेगा बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया ठीक है ना तो तुम बिल बनाए तो सोवरन होते तो वो बिल ऑटोमेटिकली लग जाता बट जुडिशियल रिव्यू है तो जुडिशियल तुम्हारे बिल को तुम बनाएंगे बोल दिया तुम मेहनत किए इतना मेहनत किए फॉर एग्जांपल नेशनल जुडिशियल इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो क्या हुआ राज्यसभा भी इसको 2/3 से पास किया लोकसभा भी इसको 2/3 से पास किया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को अफेक्ट करता था इसको हाफ ऑफ द स्टेट्स ने भी अप्रूवल दिया और तब जाके इतना कुछ होने के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन आगे बोल दिया ये सारे ठीक है खत्म हो गया तुम्हारा तुम इतना मेहनत के बीच में जब बिल गया था डिबेट के लिए तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अभी आधे स्टेट ने पास नहीं किया अभी हम लोग उसका इंतजार करेंगे ठीक है इट इज टू मैच्योर टू कॉल इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल जब आधे स्टेट ने एक्सरसाइज करके पास कर दिया तो ये लोग खुश हो गए या तो हो गया बस नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने बोले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इतना बड़ा एक्सरसाइज करी एक डेढ़ साल में एक्सरसाइज करी एक दिन के जजमेंट के बाद क्या हो गया जो हो गया तो बताओ कैसे सॉल्व हुए तुम कैसे सॉल्व हुए नहीं तुम जो भी काम कर रहे हो तुम्हारे ऊपर कोई कोई बैठा हुआ तुमको गलत बताने के लिए तो तुम लोग सॉवरन नहीं हो सॉवरन तो तुम तब होते कि तुम जो भी काम करते हो ऑटोमेटिकली सही माना जाता
फंडामेंटल राइट खास करके आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी कानून तुम ऐसा नहीं बना सकते हो जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। सॉवरन होता तो कुछ भी कानून बना देता, बट अभी क्या है वो बाउंड है किससे, आर्टिकल 13 से बाउंड है। ठीक है, आर्टिकल 13 से बाउंड है, कोई भी कानून नहीं बना सकता है, वो वही कानून बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ भी अल्टर नहीं कर सकता है। दीपक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल पॉलिटी, पार्लियामेंट किसी भी चीज पे कानून नहीं बना सकता है, वो केवल यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे या रेसिडुअली पे कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट पे तो कानून नहीं बना सकता। तो एग्जीक्यूटिव स्फेयर, फाइनेंशियल स्फेयर और कौन लेजिस्लेटिव स्फेयर, तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलग अलग डेलिनेट किए गए हैं स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। पार्लियामेंट जो चाहे वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बताता है कि पार्लियामेंट जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज सच नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइडलाइन है, इन्फोर्सेबल ऐसे भी नहीं है, तो लिमिटेशन ऐसे भी नहीं है। नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल प्रेसिडेंट के पास भी थोड़ा सा पावर है रोकने का, तो वो भी कर सकते हो। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम चेक तो करते ऑपोजिशन जैसे हो गया। हम तो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट कुछ बना दिया उसके बाद क्या चेक है। हम तो ये तुम्हारा प्रेसिडेंट वाला बात सही है, खास करके प्रेसिडेंट का कौन सा पॉकेट वीटो, ठीक है वो एक तरह से लिमिटेशन है। ठीक है, और कुछ आ जाती है कि अपना पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन से जनरेट कर रहा है। बिल्कुल, सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात तो सीधा है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम शुरू करोगे पीपल सॉवरेन है एंड हेंस प्रेसिडेंट पीपल हैव फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव गिवन देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ऑल पार्ट्स, ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पार्ट बीइंग सॉवरेन। देयर इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, हर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है, उसका एग्जाम्पल ढेर सारा है। ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट सोवरन नहीं। ये तुम एक सवाल ये भी बनता है, इसको भी तुम लोग सोच समझ के लिख लो। ठीक है, ये सवाल भी रहेगा कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरन है। सर रिस्पांसिबल गवर्नमेंट वाला पॉइंट आ सकता है, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बोलती है तो वो एक्चुअली लिमिटेशन ऑन द मोर लाइक ऑन द एग्जीक्यूटिव साइड, वो पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन नहीं हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट सोवरन है। एक और कारण है, जब तुम इसमें पढ़ोगे किताब में, पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब क्या है, अगर पार्लियामेंट सोवरन है उसका क्या मतलब है। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों सोवरन है, क्योंकि वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी अमेंडमेंट जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। क्योंकि पार्लियामेंट अगर सॉवरन होता तो हर एक अमेंडमेंट ऑर्डिनरी बिल की तरह होता, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई चेक है, ये कोई स्पेशल प्रोसेस है, स्पेशल मेजॉरिटी है, हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल है, उसका नाटक ही नहीं होता। क्योंकि अगर पार्लियामेंट खुद सॉवरन है, मान लो ये मेरा सेटअप है, इसमें मैं सॉवरन हूं,
तो मैं अपने ऊपर थोड़ी 50 काम धाम लगाऊंगा कि जिस दिन मैं जूता पहन के आऊंगा और जिस दिन मैं कंप्यूटर पे दाएं साइड बैठूंगा सुबह 9 बजे बैठूंगा उसी दिन जो मैं डिसीजन लूंगा वो मान्य होगा, नहीं होगा ना। अगर तुम सॉवरन हो तो तुम तो अपने हिसाब से सब कुछ करोगे। तो पार्लियामेंट सॉवरनिटी का जब भी ये आंसर लिखोगे तो उसके कंपेयर में तुम थोड़ा सा ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिखाओगे, बहुत ज्यादा मत दिखाना, डिपेंड करता है। सवाल करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंपेयर करना है तो थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाना, बट नहीं करना है तो तुम थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर दिखाओगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरन एंड व्हाई इट इज सॉवरन एंड हाउ आवर रूल्स आर मच मोर स्ट्रिक्टर देन दैट। ठीक है, ये हो सकता है इसमें सॉवरेनिटी में जो सारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के इंडिविजुअली प्रेजिडेंट के रिस्पांसिबल है। इंडिविजुअली पार्लियामेंट के मेंबर कहां प्रेजिडेंट है, गलत गलत बात बोल से उनके तुम लोग बार बार एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेचर में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पांसिबल, एमपीस आर इंडिविजुअली नॉट रिस्पांसिबल फॉर द प्रेजिडेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हो गया, ये सवाल लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, ये सवाल भी पढ़ के लिख लूंगा। तो 6-7 सवाल आज जो बताए हैं आने वाले वीक में वो पूछे जाएंगे और वो लिख लूंगा। इसके साथ पार्लियामेंट का हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया। अब हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी को थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। ठीक है,